हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आरसू कक्कड़ क्लासेस में। आज के सेशन में हम अपने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में विद इंडियन आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे बने, कब बने और इनके पीछे जो इनका डिविजन है वो सब जानेंगे, और साथ ही साथ फिर आगे बढ़ेंगे इंडियन आइलैंड्स में, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स और इनकी पूरी जानकारी लेंगे। मैप में इनको लोकेट करेंगे और आप भी इनको, जैसे मैं मैप में लोकेट कर रही हूँ, वैसे आप भी इनको मैप में लोकेट करोगे बाय योरसेल्फ। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सेशन को स्टार्ट करती हूँ। कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। इससे पहले हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको कवर किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अलग अलग पार्ट्स रहे हैं। हर एक पार्ट को अच्छे से लिया है, इन डेप्थ उसके बारे में जाना है। एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सारी मैंने आपको दे दी है, और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिमालयस के बारे में जान लिया था, इंडो गैंगटिक प्लेन के बारे में जान लिया, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जान लिया। जिनको नहीं पता है आप वीडियोस देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज हमें कोस्टल प्लेन्स और इंडियन आइलैंड्स इनके बारे में जानना है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स या प्लेन्स देख रहे हो, ये कोस्टल प्लेन, दिस, ये प्लेन इंडिया की कोस्ट लाइन जिसे आप बोलते हो, और इंडिया की कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है ये, और ये आपसे स्टेट पीएससी में एग्जाम पूछा जा सकता है। और स्टेट पीएससी में ऐसे ही फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 7516 लिख दिया जाएगा, 7516.7 लिख दिया जाएगा, और यहीं पर आपको कन्फ्यूज कर दिया जाएगा। तो इसलिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर ये इंडिया की कोस्ट लाइन को आप देखोगे तो यहाँ पर पहले आपने सुना होगा, तो अभी जब हमने पढ़ा था कि यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं और इधर आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स थोड़े ज़्यादा डाइसेक्टेड हैं, वेस्टर्न घाट्स नहीं हैं, और साथ ही साथ ये जो दोनों मिलते हैं जहाँ पर, वो आपकी कौन सी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं। फाइन, इतना तो हम कवर करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं ना, उनके ऐसा नहीं है वेस्टर्न घाट्स के होते ही बिल्कुल समुद्र शुरू हो गया, तो यहाँ पर आपको पहले थोड़ा प्लेन एरिया आएगा, इधर वाला एरिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर प्लेन एरिया होगा, तो ये जो प्लेन एरियाज हैं दैट आर कोस्टल प्लेन्स। अब ऐसे ही आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा और ऐसे ही आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा। इन प्लेन्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, और हम फिर दोनों ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को साथ में लेकर चलेंगे। ये वाला जो आपका एरिया देख रहे हो आप, उड़ीसा वाला, यहाँ आपका चिल्का लेक आपको मिल जाती है। ये आपका उत्कल कोस्ट इसको बोला जाता है, उत्कल कोस्ट, ठीक है। ये आपके ईस्टर्न प्लेन्स की बात कर रही हूँ मैं, ईस्टर्न प्लेन्स की। और उसके बाद ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया आप देख रहे हो, तो ये आंध्रा कोस्ट है, और फिर नीचे ये आपको यहाँ पर साउथ में कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिलेगी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वो नैरो है, ये वाली वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो है, और जो ईस्ट कोस्ट प्लेन है ये ये वाइड है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है क्योंकि आपका ये देखो, ये आपका इंडिया की कोस्ट लाइन है, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, तो ये एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स जो हैं यहाँ पर ज़्यादा हैं, और बेसिकली ये कोई ज़्यादा डाइसेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये एरिया नैरो है थोड़ा। और जो कोस्ट लाइन से वेस्टर्न घाट्स थोड़े इस दूरी पर हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका जो एरिया हो जाता है ये है वाइड एरिया, ठीक है। तो इसलिए आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाइड हैं और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर नैरो, फाइन। दूसरी बात, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको पोर्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्यों, बात को समझो। आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्ज्ड है, मतलब यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, डूबना ज़्यादा डूबोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सबमर्ज्ड ज़्यादा है, और ये आपका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये लेस सबमर्ज है। यहाँ पर रिवर देखो, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, जो रिवर्स आती हैं तो वो अपना सेडिमेंट लेकर आती हैं। तो जो अगर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ और सब चीज़ें याद हो, तो ये आपका जो शेल्फ यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद भी अभी सेडिमेंट्स जो वो लेकर आई, तो फिर यहाँ पर जाके कहीं आपका शुरू होगा आगे बेसिकली ओशन, ठीक है। अभी तक तो यही चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं वेस्ट साइड की, तो वेस्ट साइड पे फॉर एग्जांपल ये आपकी जगह है, और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये आपका एरिया है,
तो यहाँ पर ये आपका सबमर्ज्ड एरिया है, ये डूबा हुआ है, दैट इज सबमर्ज। तो यहीं से ही आपका क्या शुरू हो रहा है, बेसिकली शिपिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये आपका सबमर्ज्ड एरिया है, नीचे वाला एरिया, ये दैट इज सबमर्ज्ड। और ये अगर सबमर्ज्ड है तो यहीं पर से ही आपका शुरू हो गया एरिया जो आगे ओशनिक एरिया है। तो इसीलिए यहाँ पर शिप तैराओगे तो पोर्ट की जो शिपिंग होगी वो पोर्ट्स ज़्यादा होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर तो ये एरिया यहाँ से थोड़ी शुरू हो रहा है, ये वाला एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है जो आपका ओशनिक एरिया है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। यहाँ पर आपके प्लेन खत्म हो गया, लेकिन फिर वो जो रिवर सेडिमेंट लेकर आई वो वाला एरिया आएगा, फिर कहीं जाके ओशन शुरू होगा आगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सबमर्ज्ड एरिया है तो यहीं पर से आपका क्या शुरू हो रहा है, आगे ओशन शुरू हो रहा है। तो इसीलिए ये सबमर्ज्ड एरिया है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये नहीं है। और साथ ही साथ इसीलिए आपको यहाँ पर पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको एक पता होगा डेल्टा की फॉर्मेशन, डेल्टास बनते हैं, जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक रिवर आ रही है, रिवर आने के बाद ऐसे प्लेन्स आ गए। अब प्लेन्स आ गए, प्लेन एरिया आ गया, तो रिवर अपने आप को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में या स्ट्रीम्स में बांट लेती है, जैसे फिंगर्स हो गई, तो ऐसे ये एक ये डेल्टा बन गया बेसिकली, ये रिवर और ये फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई और अलग अलग चैनल्स में स्ट्रीम्स में बट गई और डेल्टा बन गया और फिर फाइनली ड्रेन हो गई बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर डेल्टास बनते हैं, यहाँ पर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, अगर आपने देखा हो ऊपर ये एरिया डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आपने पढ़ा ना, ये एरिया वाइड है, प्लेन ज़्यादा एरिया है यहाँ पर। अगर ज़्यादा एरिया है तो वो डाइवर्ट होंगी, बेसिकली यहाँ पर स्ट्रीम्स बनेंगी, डेल्टास बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया है ये नैरो है, इसीलिए नर्मदा और तापी जैसी रिवर्स डेल्टा फॉर्मेशन नहीं कर पाती, सीधा यहाँ पर अरेबियन सी में फॉल कर जाती हैं और यहाँ एस्चुरीज बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर आपके एस्चुरीज की फॉर्मेशन होती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। कूल, उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स और कोरोमंडल कोस्ट, ये आपको बेसिकली आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखने को मिलेगी। इनको एल्यूवियल प्लेन्स भी बोला जाता है और यहाँ पर रिवर्स जो हैं वही एल्यूवियल डिपॉजिट्स प्रॉपर लेकर आती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्यों आ लेकर आती हैं और बेसिकली डिपॉजिट लाने से क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। उत्कल कोस्ट आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, फिर आंध्रा कोस्ट और फिर तमिलनाडु कोस्ट, जहाँ पर जिसको आप कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, उत्कल प्लेन्स में आपको चिलिका लेक देखने को मिल जाएगी, ये यहाँ पर आपको चिलिका लेक देखने को मिल जाएगी। आंध्रा प्लेन्स में वही डेल्टा की फॉर्मेशन होती है जो गोदावरी और कृष्णा करती हैं, और तमिलनाडु प्लेन्स या कोरोमंडल प्लेन्स में कावेरी डेल्टा जो है वो बनता है और ये साउथ इंडिया का मोस्ट फर्टाइल एरिया है। अगर बात करूँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं इसका डिवीजन देखूँ तो पहले आपको दिखेगा काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है, ये गुजरात के पास। फिर आपको महाराष्ट्र में दिखेगी ये कोंकण कोस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आपको आगे गोवा से लेके मैंगलोर तक में आपको दिखेगी कन्नड़ कोस्ट, और फिर उसके बाद आगे केरल में आपको ये दिखेगी कन्याकुमारी कोस्ट। कूल, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, जिसको आप गोवान कोस्ट भी बोल देते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको कोंकण कोस्ट और फिर आपको मालाबार कोस्ट आपको ये देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही आपकी डिवाइडेड है, रन ऑफ कच्छ नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ पर आपका रन ऑफ कच्छ हो गया नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी तक का साउथ, ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। अगर एक एक प्लेन की बात करूँ कच्छ एंड काठियावाड़ प्लेन्स की, तो ये आपको ये जो आपका काठियावाड़ कोस्ट है यहाँ पर आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको माउंट गिरनार, ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक ड्राई सॉल्ट कोटेड प्लेन देखने को मिलेगा टू द नॉर्थ ऑफ, जिसको आप रन ऑफ कच्छ बोलते हो। गिर रेंज आपको यहाँ काठियावाड़ पेनिनसुला में ही लोकेटेड देखने को मिलेगी, गिर लॉयंस के बारे में अगर आपने सुना हो, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर देखने को। कोंकण प्लेन्स की बात करूँ, कोंकण प्लेन्स तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये गोवा महाराष्ट्र का जो एरिया है, यहाँ पर आपको दमन से गोवा तक कोंकण प्लेन्स देखने को मिलेंगे। फिर कर्नाटक प्लेन्स, गोवा से मैंगलोर, मैंने आपको बताया ना ये रहा कन्नड़ कोस्ट जिसको आप बोलते हो, ये गोवा से मैंगलोर कन्नड़ कोस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जॉग फॉल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फॉल्स कौन सी रिवर पर हैं, तो ये फॉल्स शरावती रिवर जो हैं वो क्या बनाती हैं, जॉग फॉल्स बनाती हैं। मालाबार प्लेन्स उसके बाद आगे मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक में, और यहाँ पर अगर आपको लॉन्गेस्ट लेक, लगून्स, बैक वाटर्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। वेम्बंद लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
यूपीएससी आपसे अगर मैं लेक्स एंड रिवर्स की बात करूं तो यहां पर यूपीएससी ऐसे सवाल पहले पूछ चुकी है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, और चार लेक्स के नाम दे देंगी और आपको बताना होगा कि उसमें से आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। तो ये लेक्स का जो बेसिकली टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। ज्योग्राफी में आपको लेक्स लोकेट करनी चाहिए, मैप्स में ना ये सारा मैप का पार्ट है, हिल्स हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है, तो ये आपको जानना है। और अभी अगर आपने पीछे हिमालयस के बारे में जाना है तो ये सब आपको लोकेट करना आना चाहिए। तो मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया। कोस्टल प्लेन्स का सिग्निफिकेंस, एग्रीकल्चरली बहुत अच्छा है यहाँ पर, कोस्टल प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल्स आपको देखने को मिलेंगी, तो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, बहुत तरीके के मेजर एंड माइनर पोर्ट्स यहाँ पर लोकेट किए जा सकते हैं, तो फैसिलिटी अच्छी है फॉर ट्रेड। मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर आपको थोरियम, मोनोजाइट सैंड ये आपको देखने को मिलेंगी, केरला में तो हाईएस्ट रिजर्व्स हैं थोरियम, न्यूक्लियर फ्यूल और मोनोजाइट सैंड यहाँ पर मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत मिलते हैं, तो पेट्रोलियम, शेल गैस, नेचुरल गैस यहाँ पर देखने को मिलती है। सॉल्ट का प्रोडक्शन वेरी कॉमन, टूरिज्म, गोवा घूमने जा रहे हैं लोग, गोवा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। केरला के जो बैक वाटर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है एडवेंचर के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए, तो काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल और एक सिग्निफिकेंस कोस्टल प्लेन्स का है। फाइन, अब चलते हैं इंडियन आइलैंड्स पे। इंडियन आइलैंड में मेजर जो आइलैंड हैं वो आपके आपको दो आइलैंड हैं, अंडेमान एंड निकोबार, और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, और अंडेमान एंड निकोबार आर्चिपेलेगो, आर्चिपेलेगो मतलब कुछ नहीं होता, आइलैंड्स का जो ग्रुप ही होता है उसको एक तरीके से आर्चिपेलेगो बोल देते हैं, ठीक है, वो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। तो ये आपका नॉर्थ अंडेमान, अंडेमान भी आगे डिवाइडेड है, ये देखो नॉर्थ अंडेमान, साउथ अंडेमान, और उसके ये सॉरी ये मिडल अंडेमान ऐसे है, नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटल, तो ये नॉर्थ अंडेमान, मिडल अंडेमान, साउथ अंडेमान, और ये आपका लिडल लिटल अंडेमान। ये मैं आपको जूम करके दिखाऊं अगर, तो ये देखो नॉर्थ अंडेमान, मिडल, साउथ, और ये लिटल अंडेमान। और ये अंडेमान अगर निकोबार से जो कौन से चैनल से सेपरेटेड है, तो 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ये चैनल्स इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको ये वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो देखने को मिलेंगे जो डोरमेंट मोड पे हैं, ये बैरन आइलैंड हो गया, इधर नारकोंडम आइलैंड हो गया, यहाँ पर आपको ये आइलैंड जो है वो देखने को मिलेंगे। अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करूँ बच्चे अगर, तो आपको पता होना चाहिए ये बने कैसे हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको इंडिया का मैप दिखाती, अच्छा यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, चलो मैं यहीं ड्रॉ कर देती हूँ। ये अगर इंडिया का मैप ध्यान हो तो यहाँ पर आपकी हिमालयन रेंज थी, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी पूर्वांचल हिल्स शुरू हो जाती थी नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे सिंटेक्सिकल बेंड लेती थी अरुणाचल प्रदेश से, फिर यहाँ पर आपकी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल हिल्स बन जाती हैं, फिर आपका ओशन एरिया आ गया, समर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद ये इसी का ही एक्सटेंशन है आगे कि यहाँ पर आपके अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड इसी पूर्वांचल हिल्स के आगे एक्सटेंशन होने से बने हुए हैं, ठीक है। और अगर सेम टाइम पे मैं लक्षद्वीप आइलैंड की बात करूँ तो ये कोरल आइलैंड्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस और कोरल आइलैंड केरल के पास में मिलते हैं ये, तो वहाँ पर बने हुए हैं। कूल, तो अंडेमान आइलैंड नॉर्थ, मिडल, साउथ और बेसिकली लिटल अंडेमान में डिवाइडेड है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडेमान को निकोबार से सेपरेट करता है। निकोबार आइलैंड में ग्रेट निकोबार जो है वो लार्जेस्ट है और सदर्न मोस्ट है। यूपीएससी ने अगर देखो, यूपीएससी आपसे एक स्टेप आगे जाके ना मैप खोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप खोलोगे तो यूपीएससी ने पूछा है कि यहाँ पर आपका ग्रेट निकोबार के सबसे क्लोज में कौन सा है, फिर वर्ल्ड का मैप खोलो तो यहाँ पर देखो सुमात्रा आता है, ठीक है, सुमात्रा का आइलैंड, तो वो आपके ग्रेट निकोबार से बहुत क्लोज में है। यूपीएससी ने काफ़ी आइलैंड्स के नाम दे दिए थे और सबसे क्लोजेस्ट पूछा था सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, वो बहुत क्लोजेस्ट है। और नॉर्थ अंडेमान की हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है सैडल पीक, ठीक है। यहाँ पर आपको सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ये सब जो बेसिकली शेल, ये सब आपको रॉक्स जो है वो देखने को, मोस्ट ऑफ द आइलैंड इनसे जो है वो बना हुआ है। अगर बात करें ये बैरन आइलैंड की जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो, और नारकोंडम आइलैंड जो एक्सटिंक्ट या फिर डोरमेंट वॉल्केनिक आइलैंड है उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, नॉर्थ में आपका नारकोंडम है और साउथ में आपका उससे साउथ में बैरन आइलैंड है। कुल सैडल पीक हाईएस्ट पीक है ये भी बता दिया, तो यहाँ पर आपको थिक फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करूँ लक्षद्वीप आइलैंड की तो ये थोड़ा लो एलिवेशन पे है, तो फ्रीक्वेंट अगर फ्लड्स आती हैं, साइक्लोन आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीमिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, वल्नरेबल ज़्यादा है।
कोरल रीफ आइलैंड है बेसिकली, मेजर आइलैंड एक ग्रुप है बे ऑफ बंगाल के अंदर, अरेबियन सी के अंदर। और यहाँ पर इस आइलैंड में नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड जो है लक्षद्वीप का, वो है एमंदवी आइलैंड, ठीक है। और साउथ में सदर्न मोस्ट है मिनिकॉय आइलैंड। तो ये आपको आइलैंड जो सदर्न मोस्ट है और नॉर्दर्न मोस्ट है आपको ध्यान रखने हैं। वल्नरेबल टू सी लेवल चेंजेस क्योंकि थोड़ा लो एलिवेशन पे है, टोपोग्राफी इसकी फ्लैट है, रिलीफ फीचर्स जैसे हिल्स, स्ट्रीम्स, वैलीज ये सब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये आप लक्षद्वीप आइलैंड को मैप में लोकेट कर सकते हो। ये सारे आइलैंड यहाँ पर अगाती आप देख सकते हो, कावरत्ती आप देख सकते हो, बिल्कुल साउथ में मिनिकॉय आइलैंड जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये केरल कोस्ट के पास में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आज आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से तब होगा जब आप इसको खुद से रीडिंग दोगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में मैंने अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बहुत सारी अलग दूसरी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश साथ में कर दी है, ताकि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप चीज़ों को कवर कर लो। तो यहाँ पर हमने हिमालयाज, प्लैटूज, प्लैटूज में भी आ गया अलग अलग टाइप, सब कुछ मैप में देखा, कोस्टल प्लेन्स देखे हैं, डेकन प्लैटू के बारे में जाना है, सब कुछ हमने इंडियन आइलैंड्स के बारे में, इंडियन आइलैंड्स के फर्दर टाइप्स जो हैं, कोस्टल प्लेन्स के अलग अलग टाइप्स, घाट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से आपने कवर कर लिया है। इसको कीप ऑन रिवाइजिंग, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिविजन एंड रिविजन इज़ द ओनली सक्सेस मंत्र फॉर UPSC, ठीक है। तो रिवाइज करना कभी मत भूलिए, शेड्यूल में अपने आधा एक घंटा रिविजन के लिए डालिए ज़रूर, वो ही है जो आपको एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा डलवाएगा और वही है जो आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। तो रिवीजन को कभी मत भूलना, जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आप देखते हो। तो इसीलिए रिवीजन एंड रिवीजन ये मैं एक्सपेक्ट करूंगी दैट फ्रॉम द स्टूडेंट दैट आर एसोसिएटेड विद मी, कि वो रिवीजन को बिल्कुल लाइटली मत लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेशन खत्म होता है। कल से हम ड्रेनेज, आगे जो आपका थर्ड चैप्टर है रिवर सिस्टम्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और काफ़ी ड्रेनेज टाइप्स, रिवर्स, उनके बारे में जानेंगे और कंप्लीट करेंगे उसको भी अच्छे से इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको बताइए आपको क्या करना है, ज़ोरदार लाइक करना है, इसको खूब शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्रमोट जितना हो सकता है उतना इसको कीजिए। मेरी तरफ से आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रिविजन करते रहिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। टिल देन थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।